जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट का आदेश आया नगर निकाय के चुनाव को लेकर, वैसे ही पूरे बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। और हम बात करेंगे डेहरी विधानसभा की, हमारे साथ अभी मौजूद हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि डेहरी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं जन अधिकार पार्टी से, समीर कुमार जी हैं। हम बात करेंगे जिनके आवास पर मुलाकात हुई है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका भी। आप कहाँ इतना ना मेहनत करते हैं कि आवास हो, ऑफिस हो, आपसे मुलाकात लगभग हर जगह हो ही जाती है। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, आप तो विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, लोकल चुनाव को पूरा रफ एंड टफ बना दिया गया है। देखिए, अब ये चुनाव जितना भी आप देखिएगा, ये लोकल हो या नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, आज के तारीख में सारे चुनाव जो है ना, वो जो जितने भी प्रत्याशी हैं उसको हाईटेक लेवल से लड़ना चाहते हैं। एक आप अभी हाल फिलहाल देखोगे, मुखिया का चुनाव संपन्न हुआ है, BDC का, सरपंच का, मानो लग रहा था कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं सब। गाड़ियों का काफिला, हजारों कार्यकर्ता, पूरा एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब कोई समझता कहाँ है, चुनाव लड़ना अब प्रोफेशन हो गया है, पैशन हो गया है। राजनीति अब सेवा नहीं रह गई है, राजनीति अब भौकालबाजी रह गई है। खूब भौकाल बना के लड़िए चुनाव, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अधिकतर डेहरी विधानसभा में देखा जा रहा है कि जितने भी प्रत्याशी हैं अभी चुनावी मैदान में हैं, जितने भी चुनावी मैदान में हैं, सभी बोल रहे हैं कि हम समाज सेवी ही हैं। देखिए, समाज धरातल पर कोई दिखते नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय में समाज सेवी का एक नाम लगा लेते हैं। सुनिए भाई, समाज सेवी का क्या पैमाना है और समाज सेवी होना की परिभाषा क्या है, ये सबसे पहले तो लोगों को समझना होगा। और खुद से समाज सेवी कहना या किसी पैम्पलेट पर लिख देना, इसमें हम और आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। तो जनता है, ये सब जानती है कौन समाज सेवी है और कौन नहीं समाज सेवी है। ये वक्त आने पर जनता खुद ही डिसाइड करके बता देगी, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने तो कहीं ना कहीं डेहरी विधानसभा में जो स्थानीय विधायक हैं, RJD के ही विधायक हैं, RJD सत्ता में है, उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं मायूस दिख रहे हैं। देखिए, सत्ता में होना और सत्ता में नहीं होना दोनों कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रखता है। विधायक बनने के बाद, विधायक बनना ही अपने आप में सत्ता में होना होता है। विधायक अगर आप बन जाते हैं तो आप भले ही आपकी पार्टी केंद्र में या राज्य में सरकार में नहीं है, ऐसा ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पावर में नहीं हैं। पावर पद से आ जाता है, जो व्यक्ति पदासीन है वो पावरफुल है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना अपने उस पद की गरिमा को समझते हैं, कितना ज़्यादा जनता के बीच उस पद को लेकर आप सुशोभित होते हैं। कुछ लोग पद के द्वारा सुशोभित किए जाते हैं, कुछ बिना पद के सुशोभित किए जाते हैं। कुछ लोगों के द्वारा कुर्सी सुशोभित होती है और कुछ लोगों के द्वारा कुछ कुर्सी के द्वारा सुशोभित हुआ करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है उन लोगों पे वो किस प्रकार की सोच रखते हैं। जिसके पास कोई विजन ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कई सारे अभी तो केंद्र में सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की, कई सारे सांसद निष्क्रिय पड़े हुए हैं, कोई काम धरातल पर उनका दिखता है क्या? सरकार में होना ना होना क्या कहलाता है? आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति है वो सरकार में हो ना हो, किसी पद पे हो ना हो, जिसके इरादे बुलंद होते हैं वो बिना पद भी मजबूत होते हैं। उपचुनाव में बिहार में सरकार है महागठबंधन की, लेकिन JDU के प्रत्याशी ही हार गए। यही तो आपको बता रहा हूँ, गठबंधन महागठबंधन की फैक्ट्री रहता है। जो प्रत्याशी जनता के बीच में जनसेवा को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो निश्चित सफल होगा। और रही बात हार जीत की, तो ये राजनीति में लगा रहता है, बड़े कम मार्जिन से चुनाव हारा है महागठबंधन का प्रत्याशी। तो जो चुनाव जीते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश ना हो और बहुत ज़्यादा अपने आप को तरजीह ना दें, ये होता रहता है। अब 2 साल आपको सोच ना होना है, पता चल जाएगा कौन थे, कहाँ थे, कहाँ थे, कैसे थे, चलता रहता है, हार जीत लगी। डेहरी विधानसभा में जनता ने आपको उस तरीके का मैंडेट नहीं दिया जिस तरीके का आप चाह रहे थे, उसके बावजूद भी हारने के बाद भी आप लगातार क्षेत्र में रहते हैं, स्कूल का भ्रमण करते हैं, हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए सुजी, मैं शुरू से जनता की सेवा करने के लिए अग्रसर हुआ हूँ और मेरा उद्देश्य जनता की सेवा करना है, न कि केवल चुनाव लड़ना। जिसको केवल चुनाव लड़ना था वो चुनाव लड़कर अपने घर जा चुका है, अपने अपने काम में बिजी हो चुका है। मैं सेवा करके ही चुनाव लड़ा और फिर चुनाव हारने के बाद भी सेवा कर रहा हूँ, फिर चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जनता सेवक चुनना चाहती है। मैंने अपने सेवा भाव जनता को बताई, हो सकता है इस बार जनता को सेवा भाव ज़्यादा अच्छी ना लगी हो, या हो सकता है मैं जो सेवा कर रहा था वो जन जन तक नहीं पहुंच पाया, उसका जो कार्य था वो, जो उसकी जानकारी थी, सब लोग नहीं जान पाए। मेरे पास कार्यकर्ताओं की कमी थी, मैं भी खुद भी अभी नया नया प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हुआ था,
कई सारे मैंने खट्टे मीठे एक्सपीरियंस गेन किए हैं विधानसभा के चुनाव लड़ने के बाद, लेकिन उन तमाम अपनी गलतियों से सीख लेते हुए मैं बड़ी मेहनत के साथ 2025 की तैयारी में हूँ और मैं निरंतर कार्य करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। आप स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाते हैं, शायद कल भी लगाने वाले, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अभी आचार संहिता चल रही है, तो SDM साहिबा ने मुझे बताया कि आप माइक वगैरह बांध के परमिशन बिना लिए अगर प्रचार कराते हैं तो पुलिस पे क्लेम कर देता है, तब तक कहीं ना कहीं पुलिस आपके नोटिस हो सकता है। तो मैं विदाउट अनुबंध कार्यक्रम नहीं करूँगा, कल का स्वास्थ्य शिविर बहुत स्थगित रहेगा क्योंकि आचार संहिता लगी है और नगरपुर चुनाव संपन्न होने के बाद ही मैं अब चाहता हूँ कार्यक्रम करूँ और मैं अब चाहता हूँ कि नए साल में नए तरीके से बड़े पैमाने पर करूँ। ये कुछ स्वास्थ्य मेरे लिए नया तो है नहीं, आप तो जानते ही हैं मैं कोविड काल के पहले से लगातार कई सारे स्वास्थ्य शिविर लगा चुका हूँ। मेरी चूँकि ठंड के दिन आ गई है और गरीब के लोगों में आँख से जो समस्या होती है वो ठंड के दिन में ज़्यादातर लोग चाहते हैं उसका इलाज हो जाए, जैसे आँख का कोई ऑपरेशन कराना हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना हो, तो मेरा मेन उद्देश्य था कि नेत्र जांच शिविर को प्रमुखता देना ताकि ठंड के दिन में वैसे गरीब परिवार जिनको अपने नेत्र की जानकारी नहीं है क्या उसमें समस्या हो रही है उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके और उचित दर पर मेरे सहयोग से जिसका अगर आँख ठीक हो जाता है तो मुझे इसको पूरा धन्यवाद है, भगवान ने उसको कम से कम बनाया तो है। तो अभी आप सुन रहे थे डेहरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी समीर कुमार को, जिस तरीके से सुर्खियों में रहते हैं, लगातार डेहरी विधानसभा में भ्रमण करते हैं, स्कूल का निरीक्षण करते हैं, हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं, आपको लगातार हम खबर दिखा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ रोहतास न्यूज 9 के लिए शिव कुमार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।